अमृतसर दे विच पुलिस सुस्त ते चोर चुस्त नजर आई। रात समय स्मार्ट सिटी दियां सड़कां दे किनारियां ते बनियां पार्कां ते लगे लोहे दे जंगले अते पार्कां दे विच लगे झूटे चोरी कीते गए। चोरां ने 2 तों 3 लाख दा समान चोरी कीता। वड्डी गल तां इह है कि चोरां दे वलों पुलिस थाणियां दे सामने लगे लोहे दे जंगले वी चोरी कीते गए, जिस तों बाद पुलिस प्रशासन सवालां दे घेरे विच है कि आखिरकार अमृतसर दी पुलिस की कारगुजारी करदी है। चोर तो बिना किसी के डर तो शहर दे विच चोरियां करी जांदे ने। इस पूरे मामले नूं लैके जदों शहर वासी दे नाल साडे पत्रकार दे वल्लों गलबात कीती गई तां उसने की कुछ किया, आओ सुनदे हां। देखो जी, हालात तुहाडे सामने इन्ना कि पंजाब दे विच नशा वध गया। जदों अपनी सरकार आई आप दी, उहनां पहला इहो ही वी असीं नशा बंद करांगे, पर आउण तों बाद कोई खास फर्क नहीं पिया। साडी सरकार नूं अपील आ, साडे पुलिस अधिकारियों नूं अपील आ वी थोड़ा मुल्क इहनां नूं शिकंजा कसण, क्योंकि अभी भी रात बनेरे मंडी जो डर के जाइए इन्हों तो घेर लैन सट पिट ला दे नशेड़िया। हाँ जी, बहुत वधिया सरकार तो अपने लोग शहर को सोहना बनाने की कोशिश करती, पर यह गंदगी वाले लोग नहीं ना सोहना बन देते। ये वेखो ताड़ा की हाल, सारा ही मतलब लखां की रोज ही मेरे हिसाब से 3-4 लाख की चोरी कर जाते होने। अपने कपड़े भांडे सब वेच दिता, हुण सरकार दे लाज नूं हाथ लाया भी सरकारी आ चोरी कर लो, जिहड़ा कोई वेखण दा पुलिस आ जे मल्ला झाड़ियां ते लोक जे नहीं पता लगता, पुलिस ही बेचारी मजबूर है। कारवाई पूरी होनी चाहिए है जी, पूरी सख्त तो सख्त। उधर दूजे पासे पुलिस अधिकारी ने मीडिया अगे अपना पक्ष रखते हुए की कुछ किया, तुसीं ओह वी सुणो। मेरा नाम इंस्पैक्टर गुरमीत सिंह है और मैं सचो सी डिवीजन अमृतसर लगे हुए हैं। सर, एक चीज सब के देखी गई है कि पार्कों के जो ग्रिलां है सारी लत्तियां पईयां, तुम भी थाने के इलाके जिन्नी पार्कियां ने तुसीं कितना देखते हो? सानू इस रिगार्डिंग कंप्लेंट्स मिलती रही हैं, असीं काफ़ी लोगों के ऊपर एफ आई आर विदाउट लॉज की हैगी, काफ़ी बंदे फड़ के जेल में भेजे हुए हैं जी। सर, लोगों की अपील करना चाहोगे, क्योंकि इलाके बने जो घर है सी सी टी वी कैमरे जो लगे होंगे तो लगता कि जो ग्रिलां लाने वाले चोर ने वो जल्दी फड़े जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सानू लोगों का सहयोग मिलता रहता, सानू लोग कंप्लेंट्स भी करते हैं कि असीं उन्हां दी कंप्लेंट्स पर प्रॉपर एक्शन लेंदे हैं। जी सर, हुण तक किन्ने बंदे अरेस्ट होए इस मामले में? तकरीबन असीं 10-12 बंदे भेजे हुए हैं जी वर्क के जेल। कारण की समझ लो कि इस इलाके को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इन एक्चुअली यह गल हुई है भी जिहड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, जिहड़ी मेन रोड के उपर लाइटां लगियां ने, वो लाइटां खराब ने, लाइटां चल रही हूँ तो रोशनी रहिंदी हैगी आ, तो रोशनी ना फिर उन्होंने ओला नहीं मिलता, हम लाइटा बंद रहे लोगों को ओला मिल जाता है तो कुछ मिसअपनिंग वगैरह हो जाती है। सर, प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल, प्रशासन बिल्कुल अवेयर है, लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। मैं लोगों को होर भी अपील करना चाहूँगा भी जेडे भी तुम यह आंसर नज़र आते हैं सानू रिपोर्ट कर, असं कार्रवाई करा। सो एक पास जिथे सरकार अमृतसर शहर में स्मार्ट सिटी बनाने लगी हुई है, उतें ही चोरों के वलों शरेआम चोरिया की जा रही ने, तो जनतक थावान तो लोहे दे जंगले ते झूले जेड़े ने चोरी किए गए। तो हुण देखना होवेगा कि इस मामले दे विच पुलिस आखिरकार कदों तक चोरा तक पहुंचती है ते उन्हां नूं कदों गिरफ्तार करके जेल दे विच डक्किया जांदा। स्काई न्यूज़ पंजाब दे लई अमृतसर तों रघु महेंद्रू दी रिपोर्ट।